हेलो स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ठीक है, आप इससे पिछला पार्ट देखिए ताकि आपको नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन समझ में आ जाए। और एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको इथाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, पेंटाइन इन सभी का मॉलिकुलर फॉर्मूला आता है तो आप आराम से इस वीडियो में रहिए और आराम से सीखिए। लेकिन अगर आपको इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप ज़रूर पिछला पार्ट देखिए, सीरीज़ में देखने से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और इस वीडियो का जो बेस्ट रिजल्ट है आप तभी उठा पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो एल्कीन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर शुरू करते हैं, वो है मीथेन का। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि आपको मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। सो मीथेन, अब हम जानते हैं कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा, चूँकि मेथ है तो इसमें कार्बन एक होगा, और चूँकि एन है इसीलिए ये एल्केन ग्रुप का है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, यानी डबल से दो ज़्यादा होता है। तो डबल से दो ज़्यादा यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। कार्बन एक है तो उसके डबल से दो ज़्यादा क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि यहाँ तो अकेला कार्बन ही है, ये तो बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन को यहाँ रखेंगे, हाइड्रोजन एक ऊपर, एक राइट में, एक नीचे और एक लेफ्ट में। ठीक है, और जो इसका सेकेंड पार्ट में उन्होंने पढ़ा था कि कैसे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो आपको बताया था मैंने कि बाहर में क्या होता है, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर इसके होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का एक है, उसको यहाँ बनाएंगे, इसका एक है यहाँ बनाया, इसका एक है यहाँ बनाया, इसका एक है यहाँ बनाया। कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, तो कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो इस कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, इसका एक यहाँ हो गया, इसका एक यहाँ हो गया, इसका एक यहाँ हो गया। हम इसको पास क्यों बनाते हैं, ताकि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, जब इसको हम सर्कल्स बनाएं तो हमें सर्कल बनाने में दिक्कत नहीं आए। तो देखो हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका डुप्लेट पूरा हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, कार्बन ने सबको एक एक दिया तो कार्बन सबसे एक एक ले लेगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर मीथेन के आगे हम थोड़ा सा बढ़ें, अच्छा इसी का अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो इट इज़ अगेन वेरी वेरी सिंपल। आप कार्बन रखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और इसको सिंपल ऐसे लाइन्स ज्वाइन कर दो, तो ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस होता है, क्रॉस और डॉट के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, कि अगर अलग अलग एटम हो तो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट, जैसे कि डॉट और क्रॉस, अगर सेम हो तो आप डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस में काम कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कंपाउंड पर, जैसे कि अब मैंने पिक किया इथेन। सब सीख जाओगे इसमें, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं ना, इथेन। इसलिए मैंने जानबूझकर आपको बेसिक नोमेनक्लेचर में आपको आगे का कुछ नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे लेयर बाय लेयर आपको चीज़ें सिखानी है। ठीक है, सो इथेन की बात करते हैं। इथेन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, C2H6 होता है, और चूँकि लास्ट में एन लिखा हुआ है तो एन मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और अब से आप जितने भी कंपाउंड बनाओगे पहले उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे, जो आपके काम को 80% तक ख़त्म कर देगा पहले ही। ठीक है, इसीलिए अगर आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हो आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अब देखो तो इथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो क्या किया हमने, हमें पता है दो कार्बन है तो हमने क्या किया, दो कार्बन यहाँ रख दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि लास्ट में एन है तो एन मतलब क्या होता है, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपने क्या किया यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब बताओ एक कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ऑफकोर्स 8 चाहिए होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक लाइन जो बनता है, देखो यहाँ पर एक लाइन जो है इस लाइन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बच्चों की तरह ऊपर लिख लो अपने कॉपी के बॉर्डर में कि वन लाइन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन,
वन लाइन मीन्स टू इलेक्ट्रॉन, देखो ना एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मिलके ये लाइन बना के नहीं बना, देखो H अपनी जगह है, एक डॉट एक क्रॉस मिलके ये बना, फिर C अपनी जगह है, तो एक लाइन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ कि आठ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका मतलब आपको कितने लाइंस बनाने पड़ेंगे, चार लाइंस बनाने पड़ेंगे, यानी कि ये बात दिमाग में फीड कर लो हमेशा हमेशा के लिए कि कार्बन के अगल बगल में आपको अब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, सॉरी कार्बन के अगल बगल में आपको इलेक्ट्रॉन्स तो आठ चाहिए होंगे, लेकिन जो लाइंस हैं वो कितने चाहिए होंगे आपको, उसके बगल में चार लाइंस चाहिए होंगे। अभी कितना लाइन है इस कार्बन के बगल में, एक लाइन है, हमने बनाया दो लाइन तीन लाइन चार लाइन, रुक गए, इस कार्बन के बगल में कितने लाइन है, एक लाइन है, तो हमने बनाया दो लाइन तीन लाइन चार लाइन, रुक गए, कार्बन के बगल में देखो चार लाइन हो गया, इस कार्बन के बगल में चार लाइन हो गया, काम खत्म है यार। अब जो बाकी जो बचा है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो हमने यहाँ पर रख दिया हाइड्रोजन। अपने स्योरिटी के लिए इसको एक बार काउंट भी कर लेंगे और देख लेते हैं कि चार दो छः, बिल्कुल परफेक्ट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है, किसका, C2H6 का, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। अब देखो आगे, तो हमें बॉन्ड लाइन नहीं बनाना था, हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और इसी के मदद से ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे, समझिएगा, यहाँ सिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। देखो तो मैंने क्या किया, इथेनी लिखा। अब देखो आपको ना पहले क्या करना है, कार्बन के लोकेशंस अलॉट कर देने हैं और हाइड्रोजन के लोकेशंस अलॉट कर देने हैं। तो मैंने क्या किया, कार्बन यहाँ रख लिया और हाइड्रोजन का जो जो लोकेशन आपको यहाँ मिला है वो सब लोकेशन पहले ही अलॉट कर दो। और ये लोकेशंस आपको कहाँ से मिलेगा, जब तक आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आपको ये लोकेशंस नहीं मिलेंगे कि लोकेशन कहाँ रखना है, ठीक है। अब समझ जाओ अच्छे से क्या क्या कैसे बनता है ये। तो आपको पता है कि इस कार्बन को चार जगह अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, चार जगह, तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए यहाँ रख दोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए यहाँ रख दोगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले के लिए यहाँ रख दोगे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के लिए यहाँ रख दोगे। सिमिलरली आपको पता है, देखो इस कार्बन को, देखो इस कार्बन को भी एक इलेक्ट्रॉन इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है, तो इस कार्बन के लिए भी क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और इसके लिए ऑलरेडी पता है प्रोसेस, तो रख दिया इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं करे, तो कितना सिंपल चल रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो को बैक करो और फिर देखो, एक समझ में आ गया सारा समझ में आ जाएगा। अब चलो बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो देखो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए ना, तो उसके लिए हाइड्रोजन का तो एक तो आएगा ही आएगा, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, एक अब तो आइडिया लग गया होगा ना कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, इसका यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा करना है, लो पूरा कर लो स्ट्रक्चर। देखो पहले हाइड्रोजन को खुश करो, जितने हाइड्रोजन है उसको खुश करो पहले, बच्चों को पहले ध्यान दिया जाता है ना, छोटे बच्चे हैं ये, पहले ध्यान दिया गया, देखो हो गया पूरा। अब बारी आती किसकी, कार्बन की, तो कार्बन के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अब इस कार्बन का हिसाब देखेंगे। देखो इसने इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको एक दिया और यहाँ भी तो शेयर करता है, तो ये सबसे एक एक लेगा। देखो क्या करेगा, ये कार्बन यहाँ चला, देखो दो इलेक्ट्रॉन लिया, दो दो चार, दो छः और दो आठ, ये पूरा हो गया, चेक कर लो। ऐसे ही इस कार्बन का दो दो चार, दो छः और ये दो आठ, यहाँ से उठाओ दो दो चार, दो छः और दो आठ, लो पूरा हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसका, इथेन का। और इथेन का ही नहीं, ऐसा कोई भी कंपाउंड आ जाए यार, मैं आपको सारे करा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं कोई जल्दबाजी वीडियो खत्म नहीं कर रहा, आराम से एक एक टॉपिक डील कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एक और कंपाउंड, उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं और सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना, ठीक है, सारे एग्जाम्पल कॉपी में अपने नोट कर। मैं पहले बताऊंगा क्या उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और उसके बाद में क्या बताऊंगा आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए एक कंपाउंड से थोड़ा अच्छा सीखते हैं, जैसे मान लो कि मेथ एथ प्रोप, मैंने कहा आपसे कि मुझे प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के बताओ, प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम प्रोपीन का लिखेंगे फॉर्मूला,
ठीक है। तो प्रॉप मतलब क्या होता है, सी थ्री होता है, और इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब इन जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, सी एन एच टू एन, जस्ट डबल कर दो, यानी कितना एच सिक्स। ये तो पहले आना ही चाहिए भाई, जरूरी है, फिर भी बता रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ अभी बता रहा हूँ, सी थ्री एच सिक्स। ओके, अब देखो फर्स्ट टारगेट अपना ये होना चाहिए कि हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लें, क्योंकि अगला तो अपने से बन ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन कैसे होगा समझते हैं। तो कार्बन तीन चाहिए, तो एक कार्बन लिया, दो लिया और तीन कार्बन ले लिया, ठीक है। हमें पता है कि इन है, इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होना। अब डबल बॉन्ड क्या हर जगह नहीं होता, डबल बॉन्ड कोई एक ही जगह होगा, ये नियम लिख लो कॉपी के ऊपर वाले बॉर्डर पे, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह होता है, एक ही जगह होता है, यानी कि यहाँ मैंने डाल दिया डबल बॉन्ड, आपकी मर्जी यहाँ डाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल बॉन्ड एक ही जगह होगा, तो अगली जगह क्या होगा, जो सब जगह होता है, यानी क्या सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड आ तो गया ना इसमें, इन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, लेकिन एक ही जगह होता है वो, बाकी जगह नॉर्मल चलता है, ठीक है। चलो अब आपको नियम पता है ना, कार्बन के बगल में कितने लाइंस चाहिए भाई, चार लाइंस चाहिए। यहाँ दो लाइंस पहले से है, तीन लाइन और चार लाइन। इस कार्बन को देखो, दो लाइन और तीन लाइन पहले लेके बैठा हुआ है, सिर्फ एक लाइन बनाओ। इस कार्बन को देखो, एक लाइन लेके बैठा है, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन। ये लाइन के बगल में जितने भी खाली जगह हैं, वहाँ क्या भरोगे, हाइड्रोजन। यहाँ क्या भरोगे, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। एक बार कन्वीनियंस के लिए हम काउंटिंग कर लेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। देखो छः हाइड्रोजन आपके सामने तैयार हैं, अपना फॉर्मूला तैयार है। अब इसका क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मैंने कहा ना, बॉन्ड लाइन बनाने से आपका बहुत सारा काम पहले ही खत्म हो जाता है। अब एक बार हम क्या करते हैं, जितने भी ये लाइन टेढ़ा हो गया भाई, जितने भी लोकेशंस हैं उन लोकेशंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से लोकेशन अपने पास हैं, उन सभी को लिख लो। देखो पहले क्या लिखोगे, एक कार्बन लिख लो, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख लो, एक हाइड्रोजन ऊपर है उसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। और क्या क्या है चेक कर लेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ है उस हाइड्रोजन को यहाँ लिख लिया, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन तीन होता ही है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और कुछ है क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, बहुत अच्छे भाई, और कोई, एक हाइड्रोजन नीचे भी है, अरे वाह मजा आ गया, और कुछ कोई है क्या, और कोई है क्या, नहीं भाई इतने ही है, इतने ही हैं अपने पास, ओनली दीज एटम्स, दीज एलिमेंट्स आर देयर। इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कहीं बताया गया यार, कहीं नहीं बताया गया, आराम से को है ना। देखो एच को नीचे यहाँ रख लो, ऐसा लगे कि सिमेट्रिकल लगे, ठीक है। अब जरा आप देखो कहाँ पर क्या क्या शेयर हो रहा है, और उसी अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना होगा। देखो इस कार्बन के लिए चार होते हैं, जिसमें दो यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम कार्बन के एटम्स को जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स को रखें, कहाँ पर रखें। तो जब बच्चे ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रखें, तो भाई अगर आपने इसका बना लिया क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो आप समझो कि आपको पता चल ही चुका है कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है। तो आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का यहाँ रख दिया, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके लिए रख दिया। कितना सिंपल है, देखो ना चार ही तो रखने हैं ना, देख लो कहाँ रखना है। इस कार्बन को भी दो इसके लिए रखना है, एक इसके लिए, एक इसके लिए। तो इस कार्बन को भी दो इसके लिए, ये दो इसका है, एक रखना है ऊपर वाले के लिए और एक रखना है इसके लिए। लो तैयार हो गया। अब इस हाइड्रोजन को एक रखना है भाई, तो हाइड्रोजन को देखो एक रख दिया इसके लिए। ऐसे हाइड्रोजन का तो एक होता ही है, वो तो वैसे भी नहीं पता होगा, तो भी आप जानते होंगे कि आपने इतना तो प्रैक्टिस कर लिया होगा कि भाई हाइड्रोजन का एक तो होता ही होता है, और वो यहाँ रखेगा ही रखेगा, और है ही क्या उसके पास। चलो अब देखो इस कार्बन का, देखो इस कार्बन को एक ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह रखना है, यानी कि एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, एक यहाँ रखना है, और एक यहाँ रखना है। चलो बिल्कुल तैयार हो गया, अब सिर्फ बनाना है आपको सर्कल। चलो शुरू करते हैं सर्कल बनाना। देखो देखो देखो, पहले छोटे बच्चों को खुश करते हैं, छोटे बच्चों को ये दे दो, ये छोटे बच्चों को ये मिल गया, देखो 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 छोटे बच्चों को ये सब मिल गया भाई। देखो पूरा हो गया, सारे हाइड्रोजन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सभी हाइड्रोजन का जो है डुप्लेट पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं कार्बन का। देखो कार्बन को कैसे पूरा करोगे, इस कार्बन को कहाँ कहाँ से लेना है भाई, एक दो तीन चार यहाँ लेना है। देखो ना पहले एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को पहले देख लो कहाँ पर है,
तब जाके लाइन बनाते हैं। देखो दो दो चार और ये चार पूरा लेगा ये, तो देखो इससे नहीं करते, कोई और कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लें। हाँ, देखो तो ये आ गया दो, लो तैयार हो गया, ठीक है कार्बन का देख लो पूरा हो गया। अब ये कार्बन देखो, पहले सोच लो चार दो छः दो आठ, तो यहां से जो बच्चे पहले लाइन शुरू करते हैं बाद में सोचते हैं, गलती उन्हीं से होती है। मैं बच्चा हूं ही नहीं, मैं सोचूंगा ही नहीं ऐसा, मैं पहले ही देख लूंगा कहां पर क्या फेस करूं। अब देखो आगे, तो इस कार्बन को किसे लेना है भाई, एक दो तीन चार सबसे लेना है। तो देखो दो दो चार दो छः दो आठ, अरे लाजवाब लाजवाब, क्या पढ़ा रहे हो डीपी तुम, क्या पढ़ा रहे हो। देखो हो गया, ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपीन का। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इट इज द इजिएस्ट वे जिससे आप समझ सकते हो। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ऐसे ही किसी का बना सकते हो आप, तो हम थोड़ा सा ना साइक्लिक ग्रुप के पास चलते हैं, साइक्लिक के कैसे कंपाउंड बनते हैं। तो फोटो ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लिखेंगे साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जो हमें दो मेन कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो है साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। स्पेशल कंपाउंड है, दोनों मैं आपको पढ़ाता हूँ। साइक्लोहेक्सेन, द नेक्स्ट कंपाउंड इज साइक्लो हेक्सेन। डायरेक्ट हेक्सेन में पहुंचना है भाई, डायरेक्ट, क्योंकि वही अपने को पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन। मैंने आपको लास्ट पार्ट में, बिल्कुल लास्ट मिनट में ये बताया था कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्केन ही आपको मिलेगा, तो एल्केन देख के ये मत कर देना CnH2n+2, पीछे साइक्लो लिखा होता है तो सिर्फ 2n करना होता है आपको। यानी कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो इट इज C6H12, ठीक है ना। अब पहले क्या बनाते हैं, बताया था मैंने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, और बाद में क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको बॉन्ड लाइन ही पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट तो कभी कभार पूछ लेते हैं, ज़्यादा ट्रबल कर रहा हूँ बच्चों को। तो देखो, तो क्या होगा, एक कार्बन लिया आपने, एक कार्बन यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कितने कार्बन हो गए भाई, देखो देखो छः कार्बन आपके सामने तैयार हैं। और चूंकि एन है तो क्या होगा, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, तो सब में क्या करो, सिंगल बॉन्ड डाल दो। देखो एक दो सिंगल, देखो सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, बन गया। अब जरा आपको पता है कि कार्बन के पास चार लाइंस होने चाहिए, तो चार लाइंस चेक करो, इसके पास तो दो ही लाइन है जी, इसके पास तो दो ही लाइन है ना, दो लाइन और चाहिए, लो एक लाइन और, एक लाइन और बनाया। इसके पास दो है, दो और चाहिए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसके पास भी एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसके पास भी एक लाइन ये, एक लाइन ये, इसके पास एक लाइन दूसरा लाइन, इसके पास एक लाइन दूसरा लाइन। अब देखो हर एक कार्बन के पास जो है चार चार लाइंस आ गई, और ये जो खाली जगह है ऑफ कोर्स कौन भरेगा, अब तो आपको इतना आइडिया लगे क्या होगा, आखिर दुनिया को पता है कि कौन आने वाला है है कि नहीं, रा 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 सूर्यवंशी। चलो पता नहीं कौन आने वाला था, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर भाई, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब जल्दी से क्या बना लेते हैं इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं, जो नाम है ना सेम सेम छाप दो यहाँ पर। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन, यहाँ भी लिखा है कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, कार्बन कार्बन, चार हो गया ना, कार्बन, लो ये कार्बन का बन गया। अब आपको पता है हाइड्रोजन कहाँ कहाँ रखना है, तो पहले उसको रख लो फिर बात करते हैं। तो हाइड्रोजन एक यहाँ रहेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, अगला हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, आपने ये बनाना है पहले तभी तो बनेगा। इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, अगला हाइड्रोजन यहाँ रख दो, इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, अगला हाइड्रोजन यहाँ रख दो, इसके लिए देखो ना कहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, अगला हाइड्रोजन यहाँ रख दो, इसके लिए एक हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे, अगला हाइड्रोजन
ज़रा पास हो गया ये, अगला हाइड्रोजन यहाँ रखते हैं, ठीक है। सबके पास दो दो हाइड्रोजन आ चुका है, इसको थोड़ा और दूर कर लो तो सही लगेगा ऐसे, ठीक है। ये प्लेस हो गया, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, समझो अच्छे से कहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है कहाँ नहीं करना उसको देखते हैं। देखो इस कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन शेयर होने हैं, एक तो हमने कहाँ रख दिया, इसके लिए रख दिया, ठीक, और एक किसके लिए, इसके लिए, देखो ओके, एक उस हाइड्रोजन के लिए रख दिया और एक इस हाइड्रोजन के लिए रख दिया, ठीक। इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स तैयार हैं, ओके। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए तैयार होगा, कर दिया, एक नीचे वाले के लिए तैयार होगा, देखो ना ये भी तो ले रहा है इससे, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए तैयार होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए तैयार होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए तैयार होगा, लो भैया, ठीक है। ऐसे सबको तैयार करना है। इस कार्बन के लिए शुरू करते हैं, पहला हाइड्रोजन, पहला एटम इलेक्ट्रॉन इसके लिए तैयार होगा, एक इस वाले के, देखो इस वाले के लिए, इसके लिए, तो एक इसके लिए तैयार हो जाएगा, फिर अभी इसका भी तो तैयार होगा इसके लिए, एक ऐसे कितने हो गए इसके बाद, एक बार में को देखो यार तो गलती हो जाएगा, इसका एक यहाँ आ गया, एक इस हाइड्रोजन के लिए आ गया, एक इस हाइड्रोजन के लिए आ गया और एक यहाँ आ गया, फर्स्ट क्लास इसके हो गए। इसका देखो एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक सामने, सामने भाई सामने ऊपर, एक इसके लिए हो गया, ठीक है। इस कार्बन का एक इसके लिए, एक इस हाइड्रोजन के लिए, एक इस हाइड्रोजन के लिए और एक अपने ऊपर वाले दोस्त के लिए, इसका एक नीचे वाले दोस्त, पास लेके आओ, पास लेके आओ, पास लेके आओ, एक नीचे वाले दोस्त के लिए और एक एक किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, लो भैया इसके लिए, फिर एक उधर उसके लिए और फिर ये आ गया ऊपर वाले के लिए। तो ये प्लेस करना है, पेशेंस का काम है, ढंग से लिख लेंगे क्या दिक्कत, थोड़ा डायग्राम बना लेंगे। आगे देखो डायग्राम हमें थोड़ा बड़ा बनाया करो ताकि आपको काफ़ी ईजी रहे, ओके। अब जरा बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो सभी हाइड्रोजन का एक एक होता है ना, देखो इसके लिए एक, अरे नहीं कलर अलग, कलर अलग भैया, इसके लिए एक हाइड्रोजन का ये, पास रखो पास, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए यहाँ पर, इसके लिए हर एक हाइड्रोजन का एक जो है यहाँ बना लेंगे, हर एक हाइड्रोजन का एक यहाँ बना लेंगे, देखो इस हाइड्रोजन का भी यहाँ पर आ गया, इसका भी यहाँ पर आ गया, इसका यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर देते हैं बेटर, हाँ यहाँ कर देते हैं, इसका भी यहाँ कर देते हैं, चलो सभी हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अब करना क्या है आपको, है ना, बच्चों को पहले खुश करते हैं, देखो छोटे बच्चे हैं ये, इनको पहले, ये हो गया, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। देख रहे हो सभी हाइड्रोजन को पहले ही हमने 12 के 12 को पहले फ्री कर दिया कि भाई तुम जाओ, ठीक है, हम तो बाकी देख लेंगे। लो सारे हाइड्रोजन पहले कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बन का, जरा देखो कार्बन का क्या क्या होगा। तो कार्बन जरा देखो इस कहाँ शुरू करो, क्या मन कर रहा है आपका, कहाँ से नीचे शुरू करें, यहीं से करते। देखो इस कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, है ना, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये जाएगा ऐसे, ब्लू से बने, ब्लैक से रहेगा, देखो यहां से चलते हैं, 2, 4 तैयार हो गया। अब देखो इस कार्बन का, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 राइट, पूरा हो गया। अब देखो इसका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ठीक है, एक बार यहां देख लिया करें कौन किसको दे रहा है, 1, 2, 3, 4 देखो ऐसे दे रहा है। अब इसका देखो एक किसको देगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स पहले देखो, लाइन बाद में खींचो, ये पूरा हो गया। अब इसका देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 तो ये दो लिया, यहां से लिया और यहां से लिया और यहां से लिया और यहां से लिया और ऐसा कर दिया। अब बचा कौन, ये बचा, देख लो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 देखो ऐसे लिया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, देखो जी हो गया। तो ये था आपका क्या,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद हमें एक और साइक्लिक कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज ए स्पेशल कंपाउंड, और फिर अपना ये पार्ट यहाँ पर हम लोग एंड कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरू करते हैं। इसका लास्ट वाला पार्ट वो है बेंजीन। तो मैं आपको बेंजीन का सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दूंगा, क्योंकि आई थिंक आपको तरीका पता है कि कैसे हम उसका इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड स्पेशल कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अलग सा, इसके लिए बनाकर स्पेशल है तो कोई नियम नहीं पढ़ेंगे कैसा होता है, बट फॉर्मूला याद रखेंगे C6H6। और इसमें हम एक बात और याद रखेंगे कि इट हैज ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। क्या याद रखेंगे, इट हैज ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। कार्बन 6 है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, यानी कि देखो पहला सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। आपको पता है कार्बन के आसपास लाइंस कितनी होनी चाहिए, चार लाइंस होनी चाहिए। मतलब क्या, यहाँ पर देखो दो एक तीन पहले से है, चौथा बना दो, दो एक तीन पहले से है चौथा बना दो, दो एक तीन पहले से है ये बना दो। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। देखो आप छः के छः आपको तैयार है। इसी का अगर थोड़ा कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, कई बार इसका भी शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए आपको, इसलिए साइक्लोहेक्सेन है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये जो आपने बनाया, तो मैं आपको यहीं पर बताता हूँ दोनों का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। पहले मैं आपको बेंजीन का शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है। देखो कार्बन को ना हम डॉट से बनाते हैं, ये तरीका है, कार्बन को हम डॉट से बनाते हैं। मान लो कि अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसा बेंजीन का, नहीं रुको 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 थोड़ा रुको, मैं आपको बेंजीन से पहले कुछ और पढ़ा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ देख लो, मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा कंपाउंड है, बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, इसमें कितने कार्बन है, तो ये डॉट बोला कार्बन होता है, ट्रिक है, वैसे पढ़ोगे इसको हायर क्लास में, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ डॉट मतलब क्या होता है। कार्बन देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, कितने कार्बन हो गए, तीन कार्बन हो गए, तो तीन कार्बन और बॉन्ड सिंगल है, तो क्या हो गया, तीन कार्बन और सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हुआ, ये प्रोपेन हो गया, याद है मैथ एथ प्रॉप। इसी में अगर मैं एक को डबल ऐसा कर दूं, अब सोचो कार्बन तो तीन ही है लेकिन एक बॉन्ड डबल है, यानी क्या हो गया, ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझो अगर बेंजीन का बनाया जाए कैसे बनेगा, सोचो यहां देख लो बेंजीन का, तो ऐसा बनेगा, ये सभी डॉट्स क्या हैं, ऑल डॉट्स आर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, गलती हो गया, एक दो तीन चार पाँच, सही, देखो तो एक क्या, ये हो गया क्या, बेंजीन हो गया। अब समझना इसमें यहाँ पर क्या है, एक सिंगल है तो ये क्या है, डबल है, तो डबल है यहाँ सिंगल, यहाँ पर डबल है सिंगल, यहाँ क्या, डबल है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा हो तो बेंजीन होता है, वैसे डॉट मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, डॉट कई बार नहीं भी होता है, सिंगल भी ऐसा बना होगा, समझ लेना कि आप ये बेंजीन ही है। जरा साइक्लोहेक्सेन जो हमने पढ़ा था, इसका भी आप अगर यही फॉर्म करना चाहें कैसे बनेगा, समझो जरा। मान लो यहाँ क्या था, याद है यहाँ पे कहाँ बना ले, जो ये बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, देखो तो इट वॉज कार्बन, ऐसे कर लो सिंपल, देखो ऐसे कर लो सिंपल, कहीं पर कोई लाइन नहीं है ना, तो मतलब क्या हुआ, एक तो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और कितने कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, छः मतलब क्या होता है, हेक्सेन होता है, और चूंकि साइक्लिक है तो नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसा भी अगर कहीं लिख के आ जाए तो भी आप समझेंगे कि ये साइक्लोहेक्सेन ही है। तो बताओ अगर मैं एक नॉर्मल स्क्वायर बना दूं तो आप क्या समझेंगे, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, चार कार्बन यानी क्या, ब्यूटेन, और सर्कल यानी क्या, साइक्लोब्यूटेन है। कोई ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल मतलब क्या होगा, सोचो सोचो, एक दो तीन यानी तीन साइड, तीन ये देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, क्या हो गया, ये मैथ एथ प्रॉप, ये प्रोपेन है, लेकिन ये चूंकि सर्कल है तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ऐसे भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बनाना आ गया होगा, और अगर आपको ये आ गया है, इसको आपने सीख लिया है, तो आप इसको जो भी आपके कोई दोस्त हैं जिनको कि इसमें दिक्कत हो सकती है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। हम लोग मिलते हैं जल्दी ही न्यू वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।